जब बेवकता नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं। अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। कोरोना के इस काल में अगर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है रूस की वैक्सीन को लेकर। इसी बीच अब सुगबुगाहट ऐसी भी है कि रूस और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच रिश्ते थोड़े अच्छे होते जा रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस जिस वैक्सीन को सबसे पहले बनाने में कामयाब हुआ है वो पाकिस्तान को उसी वैक्सीन के 10 लाख डोज गिफ्ट के तौर पर देने की प्लानिंग कर रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस ने पाकिस्तान को अपनी नई कोरोना वैक्सीन के 10 लाख डोज को गिफ्ट के तौर पर देने का फैसला किया है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इसे WHO ने वैक्सीन के मानव परीक्षण का तीसरा चरण बनाया है। कई फेसबुक यूजर्स की ओर से इस मैसेज को साझा किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के PM इमरान खान इसे पाकिस्तान की राजनयिक जीत और देशों के साथ मजबूत संबंधों का संकेत दे रहे हैं। जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं क्या वो सही है, क्योंकि रूस और पाकिस्तान इन दोनों के बीच रिश्ते इतने भी अच्छे तो नहीं है। खैर, इन दावों की पड़ताल करने का हमने फैसला किया, ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई पाकिस्तान को रूस 10 लाख डोज वैक्सीन के देने की प्लानिंग में है। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि यह दावा भ्रामक है। वायरल दावे को एक व्यंग वेब पोर्टल ने बनाया है। रूस ने अभी तक वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू नहीं किया है। रूसी टीके के बारे में WHO का संदर्भ भी सच नहीं है। हाँ, पाकिस्तान ने हाल ही में चीन द्वारा विकसित किए जा रहे COVID-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के लिए परीक्षण के लिए रास्ता जरूर दिया है। दरअसल जिस पोस्ट को आधार बनाया जा रहा है वो एक व्यंग वेब पोर्टल का है, उसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ तंज कसने के लिए लिखा गया था, उसे छापा गया था। ऐसी कोई भी खबर अब तक सामने नहीं आई है कि रूस पाकिस्तान को अपनी COVID-19 वैक्सीन के 10 लाख डोज को देने की प्लानिंग कर रहा है।